हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। छात्रों, हमने रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत कुछ टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम रिमोट सेंसिंग के प्रमुख प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, अर्थात सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म का क्या तात्पर्य है और ये कितने प्रकार के होते हैं। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म पृथ्वी के किसी भी वस्तु को सुदूर किसी भी स्पेक्ट्रम प्रदेश से देखना सुदूर संवेदन कहलाता है। हम पिछले वीडियो में सुदूर संवेदन पर विस्तार से पढ़ चुके हैं, उसका पूरा परिचयात्मक वर्णन हमने किया था। धरातल के अलग अलग संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु वायुमंडल एवं अंतरिक्ष आधारित अलग अलग प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा धरातल के विभिन्न तथ्यों की उपयुक्त जानकारी प्राप्त की जाती है। प्लेटफॉर्म दूर संवेदन में प्लेटफॉर्म शब्द का प्रयोग किसी ऐसे स्थिर या गतिमान आधार उपकरण अथवा वाहन के लिए करते हैं जिस पर कैमरा आदि किसी संवेदक को रखकर प्रयोग किया जाता है। अतः सामान्य कैमरा स्टैंड से लेकर संवेदन में प्रयुक्त गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, वायुयान, रॉकेट आदि सभी प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म की श्रेणी में आते हैं। प्लेटफॉर्म का अर्थ है कि अंतरिक्ष में ऐसा स्थान जहां कैमरा या संवेदक लगा होता है तथा जो लक्ष्य या धरातल के किसी भाग की सूचनाएं एकत्र करता है। सुदूर संवेदन में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, वायुयान, अंतरिक्षयान और रॉकेट आदि को सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म कहते हैं। इनका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर करते हैं। इनमें किसी प्लेटफॉर्म का चयन करते समय सुदूर संवेदन कार्यक्रम का उद्देश्य संवेदक के प्रकार, ऊंचाई, पेलोड और समय व लागत आदि सभी को ध्यान में रखा जाता है और इन्हीं के आधार पर इनका चयन किया जाता है कि किस कार्य के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयुक्त होगा। अब हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के प्रकार। धरातल से ऊंचाई के आधार पर सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म को हम तीन मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर वन, भू आधारित प्लेटफॉर्म, जिसमें धरातल, वाहन, मीनार आदि सम्मिलित हैं। वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म, जिसमें हेलीकॉप्टर, वायुयान और गुब्बारे। और अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म, जिसमें रॉकेट, अंतरिक्षयान और कृत्रिम उपग्रह आते हैं। हम पहले बात करते हैं भू आधारित प्लेटफॉर्म की। सुदूर संवेदन प्रणाली में भू अर्थात धरातल आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग विभिन्न संसाधनों के अध्ययन हेतु किया जाता है, अर्थात धरातल पर किस प्रकार के संसाधन कहाँ उपलब्ध हैं उसके बारे में जानने हेतु इनका प्रयोग करते हैं। इसमें वास्तविक स्थिति से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। धरातल की वास्तविकता का अवलोकन और मापन विभिन्न प्रकार से करते हैं। राडार, डॉपलर, लघु तरंग रेडियोमीटर आदि आधारित संवेदन के यंत्र हैं, अर्थात ये संवेदक हैं या संवेदकों के प्रकार हैं जिनका उपयोग विभिन्न सूचना प्राप्त करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म। इन प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्य रूप से वायु फोटो चित्र को खींचने हेतु किया जाता है। इसका उद्देश्य वायु फोटो विश्लेषण और फोटोग्रामेटिक अध्ययन करना होता है। इन्हें प्राप्त करने हेतु वायुयान में क्रम वीक्षक अर्थात स्कैनर लगे होते हैं। वायुमंडल आधारित प्रमुख प्लेटफॉर्म को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म है बलून्स या गुब्बारे। सबसे पहले धरातल के अध्ययन हेतु गुब्बारों का विकास हुआ।
गुब्बारे सुदूर संवेदन के सबसे सस्ते और उपयोगी प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें रखकर ऊपर उड़ाए गए कैमरे से एक बड़े क्षेत्र का वायु फोटो लिया जा सकता है। मौसम संबंधी वायुमंडलीय दशाओं की जानकारियां एकत्र करने हेतु इनका प्रयोग करते हैं। अलग अलग आकार और आकृति के आधार पर गुब्बारा आधारित प्लेटफॉर्म को हम तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं। ये तीन मुख्य भाग कौन से हैं, जिसमें हम तीन भाग बताते हैं। एक तो होते हैं स्वतंत्र गुब्बारे, और दूसरा होता है जिन्हें हम डोरी से बांधकर उड़ाते हैं, और तीसरा है शक्तियुक्त गुब्बारे। इन तीनों में क्या अंतर है? जो स्वतंत्र गुब्बारे होते हैं वे बिना डोरी से बंधे होते हैं और किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं, अर्थात इन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूर संवेदन के कार्यों में इनका सीमित प्रयोग होता है। क्यों होता है सीमित प्रयोग? क्योंकि इनके उड़ान पथ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दूसरा है डोरी से बंधे हुए, ये बहुत ऊंचे नहीं उड़ाए जाते, इन्हें वायुमंडल में एक ही स्थान पर स्थिर रख सकते हैं। वायुमंडल के किसी निश्चित स्थान से किसी भी समय किसी क्षेत्र का निरंतर दूर संवेदन किया जा सकता है। किसी छोटे क्षेत्र की अल्पकालीन घटनाओं जैसे परिवहन, बाढ़ आदि की निगरानी करने के उद्देश्य से मॉनिटरिंग करने हेतु ये प्लेटफॉर्म अधिक उपयोगी होते हैं। और तीसरा है शक्तियुक्त गुब्बारे, अर्थात ये यांत्रिक होते हैं, यांत्रिक शक्ति से संचालित होते हैं, इन्हें उड़ान मार्ग को दूर बैठकर नियंत्रित किया जा सकता है, और ये सबसे अधिक उपयोगी माने जाते हैं। तो ये था पहला प्लेटफॉर्म जिसे हम गुब्बारे के नाम से जानते हैं, बलून के नाम से जानते हैं। दूसरा है वायुमंडल और वायुयान एवं हेलीकॉप्टर। कृत्रिम उपग्रहों के आविष्कार से पहले वायुयान दूर संवेदन के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। वायु फोटोग्राफी में आज भी इनका महत्व है। धरातल के विस्तृत क्षेत्रों को देखने हेतु लगभग 20 मीटर की ऊंचाई से इन विमानों का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म के क्या लाभ हैं, अगर उसकी हम बात करें तो उच्च स्तरीय फोटो की प्राप्ति, कम लागत और समय में बड़े क्षेत्रों का सर्वे करना, दुर्गम क्षेत्रों का आसानी से सर्वेक्षण करना, पुनरावृत्ति उड़ानों के द्वारा दृश्य क्षेत्र के अल्पकालीन परिवर्तनों को समझना, वायुयान की ऊंचाई, वेग, उड़ान मार्ग पर नियंत्रण होना आदि ऐसे प्रमुख गुण हैं, ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वायु फोटो चित्रों में वायुयान का काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये हम वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म के गुण या लाभ बता सकते हैं। ज़्यादातर वायुयान 8 किलोमीटर से नीचे लेकिन धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई से उड़ते हैं। ऊंचाई के आधार पर ये वायुयान कई तरह के होते हैं, जैसे डेकोटा, MiG-25, जेगुआर आदि। हेलीकॉप्टर भी प्रमुख प्लेटफॉर्म है जो वायुमंडल आधारित हैं, जिन्हें कम ऊंचाई पर कम गति से उड़ाया जा सकता है और इनसे अति उच्च विभेदन के विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे उड़ान मार्ग पर कहीं भी स्थिर करके धरातल के फोटो खींचे जा सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म जिसे हम वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म कहते हैं। और अब आता है अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म वायुमंडल के प्रभाव से अछूते रहते हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं और निश्चित अंतराल पर पृथ्वी के किसी भाग को तय करते हैं। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म के कारण ही हमें असाधारण मात्रा में सुदूर संवेदन आंकड़े प्राप्त होते हैं। अब इसके प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन से हैं? अंतरिक्षयान, रॉकेट, कृत्रिम उपग्रह, ये सभी दूर संवेदन में
रॉकेट, अंतरिक्षयान और कृत्रिम उपग्रह इसी तरह के दूर संवेदन में रॉकेट का नियमित रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि रॉकेट को केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं और किसी रॉकेट से प्राप्त वायु फोटो की मापनी, दिशा और क्षेत्रफल आदि में अंतर के कारण आपस में तुलना करने के योग्य नहीं होते हैं। तो हम एक एक करके अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कृत्रिम उपग्रह। ये अंतरिक्ष आधारित महत्वपूर्ण सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म है। ये उपग्रह ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से वायुमंडलीय दशाओं और धरातलीय संसाधनों का ग्लोबीय स्तर पर अर्थात वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रेक्षण और निगरानी या मॉनिटरिंग की जा सकती है। अंतरिक्ष में स्थापित किया गया प्रत्येक उपग्रह अपने पूर्व निर्धारित कक्षा में गति करता है और ये जो कक्षाएं होती हैं ये दो तरह की होती हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कक्षाएं दो तरह की हैं, एक जिसे हम कहते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अर्थात भूतुल्यकालिक उपग्रह, अर्थात ऐसे उपग्रह जिनकी कक्षा भूतुल्यकालिक होती हैं, और ऐसी कक्षा वाले उपग्रह को हम भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। और दूसरा होता है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, और ऐसी कक्षा वाले उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं। हम पहले पढ़ते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह। इन्हें भूस्थिर या भूस्थैतिक उपग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाने वाले वेग से गतिमान उपग्रह भूतुल्यकालिक उपग्रह कहलाते हैं। इनका कोणीय वेग पृथ्वी के समान होता है। कक्षा वृत्ताकार होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार का उपग्रह अपनी वृत्ताकार कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए 24 घंटे की अवधि में एक चक्र पूरा करता है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है भूस्थिर उपग्रहों की। समय की इतनी अवधि में पृथ्वी अपने ध्रुवीय अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन पथ और उपग्रह के परिक्रमण की दिशा व समय अंतराल समान होने के कारण यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, स्थिर प्रतीत होता है, और इसी वजह से इन्हें भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन और उपग्रह के परिक्रमण की दिशा व समय अवधि की समानताओं के कारण धरातल के संदर्भ में भूस्थैतिक उपग्रह की अंतरिक्ष में स्थिति सदैव एक ही स्थान पर यथावत बनी रहती है। अतः कोई एक उपग्रह पृथ्वी के आधे भाग को ही ढक सकता है। यदि संपूर्ण पृथ्वी को कवर करना हो तो कम से कम दो या तीन भूस्थैतिक उपग्रहों की हमें आवश्यकता होती है। इसका एक डायग्राम भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अगली इम्पोर्टेंट बात इसके लिए, इस तरह के भूस्थैतिक उपग्रहों को हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित करते हैं और इनकी गति पृथ्वी की गति के समान होती है। विभिन्न क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है दूर संचार सेवा, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित जानकारी हेतु इनका उपयोग करते हैं। वर्तमान में इस प्रकार के प्रमुख 6 भूस्थिर उपग्रह भूमध्य रेखा के ऊपर 36,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका के दो हैं जिसमें जियोस ई और जियोस डब्ल्यू। ये दोनों उपग्रह अमेरिका और पूर्वी प्रशांत महासागर को कवर करते हैं। तीसरा प्रकार है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिटियोसेट जो अफ्रीका और यूरोप को कवर करता है। रूस का गोम्स और भारत का इनसेट जो दोनों ही हिंद महासागर को कवर करते हैं। और छठा है जापान का जीएमएस जो पश्चिमी प्रशांत महासागर को कवर करता है। तो ये थे प्रमुख भूस्थैतिक उपग्रह। अब हम बात करते हैं सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों की।
इन उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा के नज़दीक वाले भू उपग्रह भी कहते हैं। भू स्थिर उपग्रहों के विपरीत इन उपग्रहों की सहायता से पूर्व निश्चित समय अंतराल के अनुसार पृथ्वी के प्रत्येक भाग का निरंतर संवेदन करना संभव होता है। ये उपग्रह ऐसे पूर्व निर्धारित वेग से गति करता है कि वह प्रत्येक बार भूमध्य रेखा को एक ही स्थानीय समय पर पार कर सके। इनका कक्षीय पथ ध्रुव के नज़दीक से गुजरता है। इनकी ऊंचाई इतनी होती है कि उपग्रह पृथ्वी के संपूर्ण भाग को तय कर सकते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अतः उपग्रह की कक्षा का धरातलीय मार्ग सूर्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार एक निश्चित अवधि के अंदर ये धरातलीय मार्ग पूरी पृथ्वी को कवर कर लेता है और इन उपग्रहों की सहायता से निरंतर संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन किया जा सकता है। तो ये था सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह और उनकी प्रमुख विशेषताएं। ये एक छोटा सा चार्ट मैंने सूर्य तुल्यकालिक और भूस्थैतिक उपग्रहों की तुलना के बारे में बताया है, जिसमें ऊंचाई के आधार पर क्या अंतर है और अन्य अंतरों का कुछ दो तीन पॉइंट्स में वर्णन किया है जो आप देख सकते हैं। और ये एक आपका डायग्राम है जिसमें सूर्य तुल्यकालिक कक्षा और उपग्रहों को दर्शाया गया है। तो छात्रों, इस टॉपिक को मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ और आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।